हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो टी शर्ट प्रिंटिंग फैक्ट्री का टूर वीडियो है। आज हम फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कैसे टी शर्ट की प्रिंटिंग होती है। मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप ज़रूर देखिए। और प्रिंटिंग कैसे होता है, टी शर्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस फैक्ट्री में आपको जानने के लिए मिलेगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो उसके पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी देखने को मिलेंगे, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं छोटू जी की यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग फैक्ट्री में, और ये है उनका एंट्रेंस। यहाँ पर छोटू जी बैठे हुए हैं। कैसे हो छोटू जी? सब बढ़िया है। आपकी फैक्ट्री की मुलाकात लेने आए हैं। हाँ। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी फैक्ट्री देखेंगे, और इसके बारे में, टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा आप अपना जानकारी दीजिएगा। ओके। आप बताइए इसके बारे में। ये अभी अपने आइडेंटिटी मार रहे हैं। मतलब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? इसमें सब अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे आइडेंटिटी हुआ, पिगमेंट हुआ, खड़ी हुआ। अच्छा। सब अलग अलग प्रोसेस, जैसे जो प्रोसेस रहता है ऐसे करते हैं। एक टेबल पे अपने अभी 60 फुट है ना, तो 60 फुट के अंदर अपना आ जाता है, 100 पीस आता है। मतलब टोटल दोनों टेबल में 120-130 पीस आता है। अच्छा। इसमें टेबल जितना लंबा होगा उतना पीस आएगा। मतलब दिन भर में आपका कितना माल निकल जाता होगा? तो जैसे माल होता है ऐसे निकलता है। जैसे अभी हाइड सिटी है तो 300-400 पीस बहुत हो गया। मतलब अगर कोई पार्टी आपको ऑर्डर देती है तो आप मिनिमम कितना दिन लेते हैं कि अभी इतने दिन में आपको माल मिले? 6-7 दिन में दे देते हैं माल। 6-7 दिन में माल मिले। डिपेंड क्या है आपका डिज़ाइन कैसा है, क्या है? हाँ, डिज़ाइन के ऊपर है। जैसे कोई पिगमेंट मारना है, ऑल ओवर मारना है तो फास्ट मिल जाता है वो। अच्छा। क्रिएशन ज़्यादा रहता है तो उसमें टाइम लगता है। और आप मुझे ये बताइए ये क्या चीज़ है? ये खड़ी है। अच्छा, ये खड़ी कलर है। खड़ी मार के फिर ऊपर HD मार रहे हैं। अच्छा, और ये इस तरह से फ्रेम बनता है ना? हाँ, इसका फ्रेम बनता है। उधर इसका फ्रेम बनाना पड़ता है, फर्मा बनता है। अच्छा, उसके जो कंप्यूटर में डिजाइन बनाते हैं उसका ये फ्रेम बनता है इस तरह से। और ये कलर वगैरह इस तरह से, ये इस तरह से कलर होते हैं, इसको अपने बनाना पड़ता है कलर। जैसे मैचिंग होता है ऐसे अपने को कलर बनाना पड़ता है। आइए, वो भाई प्रिंटिंग कर रहे हैं, अपने वहाँ जाकर देखते हैं किस तरह से प्रिंटिंग होता है। हाँ, प्रिंटिंग करने के बाद क्या हीट मारना पड़ता है तो ही जाके अपना हाइट होता है। ये HD प्रिंट हो रहा है। हाँ, HD प्रिंट हो रहा है। HD प्रिंट में हीट मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइट नहीं होता है। स्किन प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ता होगा ना? हाँ, इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आदमी को अगर ये सीखना हो, ये सब प्रिंटिंग करना हो, तो उसको कितना दिन चाहिए? 2-3 महीने में सीख जाएगा। 2-3 महीने में? 2-3 महीने में सीख जाएगा। 7-8 बार मारना पड़ता है तब जाके हाइट होता है। 7-8 बार हाथ मारना पड़ता है। और अगर नॉर्मल प्रिंट हुआ तो? नॉर्मल प्रिंट हुआ, जैसे खड़ी प्रिंट हुआ तो 3-4 हाथ मारना पड़ता है। पिगमेंट हुआ तो सिंगल हाथ। अच्छा। जैसे ये पिगमेंट मारा हुआ है तो ये सिंगल हाथ है। हाँ, पहले अपने ऑल ओवर कर लिया है, फिर बाद में उसके चेस्ट का डिजाइन आइडेंटिटी चल रहा है। और एक बड़ी काफ़ी सुखा दिन जाए।
देखिए अभी इसमें सब अपना अलग अलग सैंपल है, ये इनके सैंपलिंग देख लेते हैं, इनका काम देख लेते हैं। इसी इसमें हुआ पिगमेंट, हाई डेंसिटी और खड़ी, इसमें तीनों चीज है, तीनों चीज़ें इसमें, पिगमेंट, हाई डेंसिटी और खड़ी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आपका पेंटिंग का। ये अपने एक्चुअली इसको बोलते हैं अपने सिलिकॉन पेंट, सिलिकॉन पेंट। हाँ ये जो सिलिकॉन में ही छोटा छोटा जो सिंबल होता है, जो पुलों में चलता है, बस अड में चलता है, वो सब है। अच्छा बढ़िया। मतलब ये सारा सिलिकॉन प्रिंट है, सिलिकॉन का है। अच्छा इसमें सिलिकॉन प्रिंट में अपने कितने कलर ले सकते हैं? जैसे डिजाइन के ऊपर होता है, अपने मिनिमम तीन चार कलर तो ले सकते हैं। तीन चार कलर ले सकते हैं। और भी सैंपल ये सिल्वर मारा हुआ है, हाई डेंसिटी किया हुआ है, सिल्वर और हाई डेंसिटी प्रिंट किया हुआ है। क्या बात, हाई डेंसिटी के ऊपर आपने दो तीन कलर और प्रिंट। हाँ वो प्लास्टिक सोल मारा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका भी। ये भी उस तरह ही है, ये सिल्वर नहीं है, हाई डेंसिटी के ऊपर प्लास्टिक सोल ही मारा हुआ है। अच्छा बढ़िया बढ़िया। इसे ये सब सिलिकॉन प्रिंट है, ये सिलिकॉन प्रिंट है। इसका फील भी काफ़ी बेहतर आ रहा है, इसमें खींचने से भी कुछ नहीं होता है और अपना प्रेसिंग में भी कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे अपने आइडेंटिटी में प्रेस करते हैं तो क्या होता है, चोट जाता है, बस चिपक जाता है, इसमें कुछ प्रेसिंग में कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया। ये एम्बोसिंग है, अच्छा फैब्रिक एम्बोस। हाँ फैब्रिक एम्बोस किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लुक आया है। फैब्रिक एम्बोस के ऊपर आपने प्रिंट किया हुआ है, सही है, बढ़िया। ये भी एक डिज़ाइन है एम्बोसिंग की, एम्बोसिंग के ऊपर सिलिकॉन है। अच्छा अच्छा, ये फैब्रिक एम्बोस किया है। हाँ और ये आपने सिलिकॉन किया हुआ है, नीचे वाला भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन। हाँ डबल कलर का सिलिकॉन है और एम्बोसिंग है फैब्रिक। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। ये अपने आइडेंटिटी है और पाल है, ये सिल्वर कलर आइडेंटिटी है और अपने ग्रे कलर का जो है वो पल है। पल है मतलब ये शाइनिंग मारेगा। शाइनिंग मारेगा तो कोई पार्टी वियर पीस होता है तो उसमें अच्छा, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये जैसे आपने बोला डबल कलर का, जैसे डबल कलर का सिलिकॉन है, डबल कलर में सिलिकॉन। बहुत बढ़िया, इसका वैसे फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आपको दिख रहा है। इसमें आपको 00 फिनिशिंग मिलेगा, जैसे माल में पूरा 00 फिनिशिंग आएगा, इसका प्रोसेस ही पूरा अलग होता है। इसका स्किन प्रोसेस नहीं है, थोड़ा अलग प्रोसेस है। अच्छा। जैसे ये पिगमेंट, आइडेंटिटी और खड़ी, ये तीन चीज बपड़ा हुआ है अपने। जैसे अपने वो स्किन में ये एक हाथ मारा हुआ है, ये अपने तीन हाथ मारा हुआ है, ये अपने सात हाथ मारा हुआ है। टोटल ये पीस को अपना हो गया 8-12 बार हाथ हो गया है इसमें। मतलब ये अगर माल निकालना हो तो हाँ तीन, नहीं 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 वो है, एक दिन में निकल जाता है, एक दिन में निकल जाता है। अपने ये है आइडेंटिटी के ऊपर प्लास्टिक सोल मारा हुआ है, पर इसमें अपने ग्लोसी भी किया हुआ है, इसके ऊपर ग्लोसी पेपर आता है जो प्रेसिंग में, हमने ग्लोसी पेपर मारा हुआ है इसके ऊपर। ये पॉप पिन बोलते हैं इसको, जैसे ऊप से कपड़ा उपसाता है। ये अपना मिनिमम इसमें अपने 7-8 हाथ मारा हुआ है, क्योंकि कपड़ा उपसाता है इसमें, पॉप पिन बोलते हैं इसको। अच्छा ये मतलब ये एकदम रूल रूल जैसा उठा हुआ लगता है। हाँ ये इसको अपने पॉप पिन बोलते हैं। अरे ये अपना खरी है, सिलिकॉन है। मतलब ये जो लाइनिंग वो इसकी पिगमेंट मारा हुआ है सिलिकॉन, एक ही हाथ मारा हुआ है पिगमेंट में, फिर उसके ऊपर अपने सिलिकॉन का प्रोसेस किया हुआ है। बहुत
नीचे जो बैकग्राउंड दिख रहा है उस वो अपने सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन हाँ, और उसके ऊपर ये जो लाइनिंग वो सिलिकॉन है। ये अपने सिलिकॉन में 3D है। अच्छा, सिलिकॉन में भी 3D प्रिंट होता है? हाँ, 3D। और भी एक है अपने सिलिकॉन में ही 3D, मतलब अलग अलग 3D टाइप का होता है। जैसे ये अपने अलग अलग डिजाइनिंग है सिलिकॉन में, जैसे इसमें ऊपर जैसा डोरी जैसा दिखता है ये सिलिकॉन प्रिंट जैसा। दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट है इनका, और यहाँ पर भी प्रिंटिंग चल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 कलर खड़ी और 1 कलर HD चल रहा है। रेड कलर अपना HD है, बाकी 3 कलर अपना खड़ी है। अपने प्रिंटिंग करने के बाद ऐसा इस तरह अपने को हीटिंग प्रोसेस लास्ट में करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद हीट प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो क्या प्रिंटिंग अपना निकालने का चांस रहता है। अपने हीटिंग होने के बाद वो चीज़ पक्का हो जाता है। जैसे अपने आपको दिखाया मैंने सिलिकॉन प्रिंट, जो सिलिकॉन प्रिंट का प्रोसेस होता है वो इस तरह का होता है। जैसे उसका मोल्ड बनता है, मोल्ड के हिसाब से ये जैसे ये मोल्ड है, मोल्ड बनाया हुआ है। हाँ, तो मोल्ड में इस तरह जैसे मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है, जैसे अपने हीटिंग के बाद ट्रांसफर हुआ, अभी मैंने ये डिज़ाइन आपको दिखाया हुआ है पहले, तो ये डिज़ाइन किस तरह बनता है आप देख लीजिए। इसको अपना सिलिकॉन प्रिंट बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अपना डायमंड लग रहा है, जो अपने शर्ट वगैरह में पार्टी वेयर में चलता है डायमंड, वो डायमंड लग रहा है। सिलिकॉन प्रिंट के नीचे डायमंड लग रहा है। नहीं, एक एक पीस अपने, ये 3 पीस लगता है इसके लिए अपने एक एक पीस कर रहा है, बाकी ज़्यादा अपना नंग आता है तो उसमें एक उसका अलग एक प्रोसेस होता है। आपकी कंपनी का नाम क्या है और ये कहाँ पर है? ये अपने अभी SMC ब्रांड है, मतलब SMC करके ब्रांड किया हुआ है अभी, SMC पेंट अपने। ये अभी एक्चुअली है अपने रखियाल चौकड़िया माधव के पीछे, अहमदाबाद में ही है। अच्छा, अहमदाबाद में। अगर अपने से अभी कॉन्टैक्ट कोई काम काज के लिए करना है तो अपने रखियाल चौकड़िया माधव के पीछे अपने धवल स्टेट करके एक नंबर अपना। सर, मेरे जो व्यूवर्स है वो जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको अगर खाली स्क्रीन प्रिंटिंग करना है तो मिनिमम टेबल की ज़रूरत है पहले। अगर ओनली स्क्रीन प्रिंटिंग करना है तो टेबल हुआ, टापर हुआ, उसका कलर हुआ, बस यही सब ज़रूरत है। अगर सब कुछ अगर इससे सिलिकॉन प्रिंट ओनली एम्बोजिंग ये सब कुछ करना है तो इसका प्रोसेसिंग लंबा है। जैसे इसके लिए मशीनरी अलग अलग आएगा, इसके लिए एम्बोसिंग मशीन लेना पड़ेगा, एक कंप्रेसर लेना पड़ेगा आपको, मतलब सबको अलग अलग लेना पड़ेगा। और जगह मतलब कितनी इतनी जो चाहिए मिनिमम या इससे? अगर छोटा मोटा काम करना है तो अपने 30 फुट तक अपने को जगह चलेगा अपने का। अगर छोटा मोटा काम में क्या होता है, अपना माल नहीं निकलते तो क्या जगह चाहिए, तो मोटा मोटी 80 फुट लंबा तो चाहिए कम से कम। अच्छा, 80 फुट होना ही चाहिए लंबा, तो ही अपना मतलब प्रोडक्शन ले पाएंगे, प्रोडक्शन कुछ कर पाएंगे ऐसा।
तो इसमें मिनिमम मतलब शुरुआती अगर किसी को करना है, किसी को टी शर्ट प्रिंटिंग का काम शुरू करना है, तो उसके लिए उसको मिनिमम कितना पैसा उसको लगाना पड़ेगा? 3-4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा उनको। पहले 3-4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, मतलब शुरुआत में लगाना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका काम बढ़ेगा वो उसमें काम में इन्वेस्ट होगा, धीरे धीरे इन्वेस्ट बढ़ाते जाएगा उनको। एकदम से मतलब बड़ा इन्वेस्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब शुरुआत में 3-4 लाख 3-4 लाख में हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को आपके बारे में? जैसे अपने शुरू किए थे, आज 1 ही साल हुआ है, मतलब इस काम में क्या है, आपका काम अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो आप आगे चला जाओगे। अगर काम में आपको पूरा फुल मतलब फुल ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आप कोई कारीगर के हिसाब से कोई किसी हिसाब से माल छोड़ के जाते तो अपने नहीं चलेंगे। इसमें क्या है, अपने को पूरा ध्यान काम में देना पड़ेगा पहला शुरुआत में। अगर कोई माल अपने बिगाड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, पार्टी लोग अपने ऊपर दे देते हैं, तो क्या अपने को मतलब धंधे में कुछ आगे नहीं दिख पाएंगे अपने, मतलब उसी में ही अपने ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपका ये फैक्ट्री, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और तो फिर आपको भी अगर पसंद आया हो, आपको कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और उनकी जो फैक्ट्री है SMC प्रिंट, ये अहमदाबाद में, इसका भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? ओके। और ऐसे ही नए नए वीडियोस और जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, पसंद आया तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।